हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का टू ब्रॉल स्टार्स। यस गाइस, काफ़ी टाइम बाद हम लोग ब्रॉल स्टार्स के साथ आ चुके हैं एंड आज जो है हम लोग दो नए कैरेक्टर्स के साथ खेलने वाले हैं। वो दो नए कैरेक्टर्स कौन से हैं? वो है पहला वाला बुल। तो गाइस ये कैरेक्टर जो है ये मैंने अचीव किया था थोड़े टाइम पहले एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको दिख पा रहा होगा कि ये कितना हैवी और काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप लग रहा है, दिख रहा है। तो इसके जो पावर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसे यूज़ करने के बाद एक मैच में। एंड जो दूसरा कैरेक्टर है वो है गाइस पोको। तो गाइस पोको भी पावरफुल कैरेक्टर है, उसके जो अटैक्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार हम लोग दोनों को यूज़ करेंगे आज एंड उसके साथ खेलेंगे दोनों कैरेक्टर्स के साथ एंड लेट्स सी कि दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं बाकी कैरेक्टर्स के हिसाब से। तो पहले हम लेंगे बुल को, ठीक है? तो बुल को हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड जैम ग्रैब के इवेंट में हम लोग ये खेलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हियर वी गो। थोड़ा सा रीलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। इधर तो बहुत सही चल रहा है गेम। ओके, फिनिशिंग मूव है अपने पास तो हम यूज कर सकते हैं। एक और बार मार दिया। फिनिशिंग मूव भी ज्यादा काम नहीं है इसका। वैसे हम लोग लीड कर रहे हैं अभी। एंड हम लोग जीत चुके हैं। द स्टार प्लेयर्स द हंटर से काफी अच्छा खेला। ओके, तो अभी जैसे आपने देखा कि हमने इस वाले कैरेक्टर को यूज़ किया एंड आपने देखा होगा कैसे कैसे अलग अलग पावर्स है इसके पास। लेकिन हालांकि जो फिनिशिंग मूव है इसका वो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि पावरफुल है बट इतना एक्यूरेट नहीं है मारने के लिए सामने जो भी ओपोनेंट है। तो अभी जो है हम लोग पोको को यूज़ करेंगे एंड लेट्स सी ये कैसे परफॉर्म करता है कंपेयर टू बुल। तो इसको ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी, शायद से ये काफ़ी सही से परफॉर्म करेगा इसके पावर्स के हिसाब से। Let's get this party started. ये तो भाग रहा है, इसको मारना पड़ेगा। ये लाइफ इसकी रीजनरेट हो इसलिए भाग रहा है, इसको मारना पड़ेगा। मैं कैसे रीलोड होने में जैसे थोड़ा सा टाइम लगता है। बारिश हो गया इसमें, बच गए। बस हम लोग लीड तो कर रहे हैं। एक और बार जीत चुके हम लोग। कि तो हमें बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं इसको, टोकन मिले, बहुत सारे टोकन मिले। ओह शिट, 810 टोकन्स मिले एंड अभी एक बड़ा सा बिग बॉक्स हमें मिला है तो इसको खोलेंगे। लेट्स सी इसके अंदर क्या मिलता है। बहुत सारे कॉइन्स, थोड़े बहुत अपग्रेड पॉइंट्स मिले। ओके बहुत ही बढ़िया। जेम्स भी मिले, जेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को परचेज करने के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, इसको अपग्रेड कर लेते हैं एंड यस गाइस। तो अभी हमने दो कैरेक्टर्स, जो दो नए कैरेक्टर्स हमने अनलॉक किए थे, बुल एंड पोको, तो उन दोनों को हमने यूज़ किया। एंड आप मुझे बता सकते हो आपको कैसा लगा, मतलब इन दोनों का पावर्स कैसा लगा, कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप किसके फेवर में हो, आप मुझे बता सकते हो इन दोनों कैरेक्टर्स में से। एंड हालांकि अभी तक जितने भी मैंने मैचेस खेले अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, अभी जो टोटल मेरे पास 6 है, तो सबसे बेस्ट गाइस, सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो मुझे लगा है सबसे सही, वो है कोल्ट। ये वाला है, बहुत ही अमेजिंग है। एंड उसके बाद है बार्ले। बार्ले एक्चुअली क्लोज रेंज के लिए सूटेबल नहीं है। ये एक्चुअली अगर कोई दूर है, अगर आपको दूर से किसी को मारना है अच्छे से एंड काफ़ी बड़े रेडियस में मारना है, तो बार्ले बहुत अमेजिंग है। एंड कोल्ट, कोल्ट जो है क्लोज रेंज के लिए बहुत ही अमेजिंग है एंड इसका जो फिनिशिंग है वो भी बहुत मस्त है। सो अभी तक के ये दो मेरे फेवरेट है, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका फेवरेट कौन सा है। एंड अभी एक लास्ट मैच हम लोग खेलेंगे, वो है कोल्ट के साथ। एक बार हम लोग कोल्ट यूज़ करेंगे एंड लेट्स ट्राई एंड प्ले शोडाउन, खेलते हैं डीओ में। तो ये शायद से हम, हाँ ये ट्राई करते हैं, ये वाला मैच, ये भी बहुत अच्छा मैच है। तो 2-2 की टीम है एंड एंड तक हमें टिकना है, सर्वाइव करना है। तो लेट्स ट्राई, हम लोग मरे ना इसमें। ये आते हुए एक और, ये दोनों की मार दिया, बहुत ही खराब। काफी स्टार्टिंग में ही मरे हम लोग। कोई नहीं, एक और बार ट्राई करेंगे। तो अभी जो है काफी डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। Okay, here we go. ये कैरेक्टर्स है इधर। एक को मारने वाले, दोनों को मार दिया, बढ़िया। Too good. Sorry, noob. Cheater. अब एक ही टीम बची है गाइस एंड हमारे पास फिनिशिंग मूव है, तो एक ही टीम बची है एंड उसको खत्म करना है। ये रहे, selfie time. ठीक है, इसको हम जीत चुके हम लोग। ओके फाइनली ये मैच हमने जीत लिया है। जो लास्ट टाइम हम लोग जो बहुत गंदी तरीके से हारे थे, वो इस बार जो है बहुत अच्छी तरीके से जीते। ओके सो गाइस, एक मिनट, एक और हमें बिग बॉक्स मिला है, इसको खोल लेते हैं एक बार। ओके, थोड़े बहुत अपग्रेड पॉइंट्स मिले एंड एक नया कैरेक्टर पेनी करके कैरेक्टर मिली है एंड आई एम नॉट श्योर हाउ इज शी, मतलब कैसी है वो कैरेक्टर, लेकिन इसको पहले अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है, पेनी। तो पेनी शूट्स बैग्स ऑफ कॉइंस डैमेजिंग द टारगेट एंड एनीवन स्टैंडिंग बिहाइंड। हर सुपर इज अ मोर्टार स्टाइल कैनन टरेट। ओके, तो ये भी यू नो काफ़ी सही लग रहा है ये कैरेक्टर। तो गाइज ये कैरेक्टर जो है पेनी, जो हमने अभी जस्ट अचीव किया है, ये हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आई होप ये आज का जो वीडियो है आपको, आप सब लोगों को पसंद आया हो ब्रॉल स्टार्स का। एंड अगर पसंद आया हो देन डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर, डू कमेंट कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है, आपका फेवरेट कौन सा है वो भी मुझे बता सकते हो आप। सो एंड ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, गेम स्टार को, ताकि बहुत सारे अलग अलग यूनिक कंटेंट आएंगे गेम प्लेस के रिगार्डिंग, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड विल सी यू सून विथ अनदर गेम और विथ another part of this game. So till then, take care, stay happy and keep watching my gameplays guys. Okay, see you soon guys, bye.